पास में लेके आओ जरा। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ क्रैंक लॉक होता है, देख रहे हैं ना, यहाँ एलंकी से हमने क्रैंक लॉक किया हुआ है, ये चीज़ का ध्यान रखना। और कहाँ होता है एक क्रैंक सेंसर, यहाँ लगा हुआ होता है, क्रैंक सेंसर खोल दिया तब जाके वो मार्का दिखता है और वहाँ जाके लगता है। जैसे जो टाटा इंडिका पिंटिका करते होंगे उनको पता होगा यही होता है टाटा की गाड़ियों का। ठीक है जी, तो ये हो गया क्रैंक लॉक। आ जाओ इधर जी, ये देख सकते हैं केम लॉक है, अब केम लॉक में हमने एलंकी लगा रखा है। ठीक है, इस कंडीशन में केम लॉक होता है, यानी कि सिंगल केम हम लोग करते हैं, डबल केम का इंजन है ये, तो ये सिंगल दूसरे वाले केम में होगा, एक केम इधर है, आ जाओ पास में। अब चूंकि ये वाले केम में लॉक हुआ है और ये वाले केम में गरारी लगी है, तो गरारी चूंकि ये फ्री होती है गरारी, अभी हमने इस वाले केम का लॉक कर लिया तो इसका मतलब है कि गरारी का पुल्ली जो है यहाँ पे फुल टाइट कर सकते हैं। यदि फ्री भी है, और किस कंडीशन में पुल्ली को फ्री करना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है, जैसे बेल्ट के दांते सेटना बैठ रहे हैं, तो इसको लूज कर लो और जहाँ दांते बैठा लो और फिर फुल टाइट कर दो, वहाँ का लॉक लगा हुआ रहना चाहिए। तो हालांकि दो लॉक है इस केम में भी, यहाँ लॉक होता है लेकिन हमने नहीं खोला, उसी को एक ही को खोल के लॉक करके चेक कर लिया। तो ये तो केम की टाइमिंग हो गई, ये नीचे क्रैंक की टाइमिंग हो गई। हाई प्रेशर पंप की चूँकि कोई टाइमिंग वाइमिंग तो है नहीं इसका, लेकिन फिर भी जो पुराना मॉडल में इंडिका में जहाँ मिलाते हैं हमने वहाँ मिला दिया है। ये हमारे टाटा नेक्सोन की इंजन टाइमिंग, ठीक है जी। तो ये इंडिका EV2 का जो टाइमिंग है वही है, नेक्सोन में भी टाइमिंग है, वही वाला इंजन है। अब गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं साउंड, अब एक राउंड घुमा के देखेंगे इसको और फिर उसके वजह से कवर को लगाएंगे। चलो चलो, बैक नहीं आना चाहिए, बैक नहीं आना चाहिए, हाँ ध्यान करो बस। चलो भाई बिल्कुल सेट है मामला, कंप्रेशर बन रहा है, बैक आने का मतलब होता है तगड़ा कंप्रेशर। तो ये बिल्कुल हमारा टाइमिंग 00 है, नहीं तो घुमा के इसलिए चेक करते हैं कहीं टाइमिंग रॉन्ग हो, वाल वॉल बेंड ना हो, ऐसा इसलिए टाइमिंग को घुमा के चेक करना पड़ता। चलो ठीक है, अब इसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट, आइडल पे छोड़ो, आइडल पे छोड़ो, आइडल पे रहने दो इसे।